और जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या भ्रमणा है, क्या परेशानी है, और हमारे बीच में एक अध्यापक और हैं। सर आपका नाम? नूरुद्दीन खान जी। मैं आगरा से, सुलहपुर की नगरी से आगरा से आए हूँ। आगरा से आए हैं जी। तो आप किन मांगों को लेकर आए हैं? ये मतलब इनको हम लोगों को वेतन नहीं मिला है, कम से कम 2 साल 2.5 साल हो गए दरअसल, जब से वेतन नहीं मिला है। और दरअसल हम लोगों को तरह तरह से मतलब वो किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ने, क्या कारण है आपको तोड़ने का? कि कभी मतलब वो कहते हैं कि राष्ट्रगीत हमारे यहाँ हमेशा से होता रहा चलाया मदरसों के अंदर, ऐसा नहीं है। जबकि और स्कूलों में राष्ट्रगीत नहीं होता है, ना झंडा बाकायदा उल्टा लटका दिया जाता है, मगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता और सर कोई कार्रवाई नहीं होती है उनके ऊपर, और मदरसों के ऊपर पूरी कार्रवाई होने लगती है। मदरसों को हर तरह से तोड़ा जा रहा है, जहाँ तक उनका है कि हम इनको तोड़ दें, इनको ख़त्म कर दें, सरकार का ये चल रहा है। मतलब आपका कहना है कि एक राष्ट्रगान को लेके, वंदे मातरम को लेके हमें हमारे बीच में जी तोड़फोड़ चल रही है, तो इसका क्या कारण, मुख्य कारण क्या है इसका? मुख्य कारण ये है कि मदरसे ख़त्म हो जाएं, समझे, मदरसे ख़त्म हो जाएं बिल्कुल, यही सरकार का मुहिम है। और अगर हमारा सरकार भूख हड़ताल से भी काम नहीं चला तो हम 10 अस्कार करेंगे, मतलब समझे, उसके बाद 1 महीने बाद जो भूख हड़ताल का हमारे अयाज साहब ने कहा है, उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो हम 10 संस्कार करेंगे, मतलब अपना। मतलब आप किसके खिलाफ 10 संस्कार करेंगे? गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, हाँ, उसकी नीतियों के, जो हम लोगों को 3-3 साल से भूखा पैसा नहीं दिया गया है तो हमारे बच्चे क्या करेंगे ये बताइए। और उसके बाद लास्ट हमारा स्टेज होगा 10 संस्कार। बहुत बड़ी बड़ी भ्रमणा है कि इनका 3-3 साल से 4-4 साल से इनका वेतन नहीं दिया जा रहा है। आज एक दिन का धरना था, आगे इन्होंने बोला है कि आगे हम सांकेतिक धरना करेंगे, अगर जब भी हमारी बातें नहीं मानी जाती तो हम यहाँ 10 संस्कार के लिए ये सभी लोग कह रहे हैं और तैयार हैं।